नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों धोखादायक इमारतों का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां लोग परेशान हैं। अब सबको यह चिंता है कि बरसों की मेहनत से बनाया हुआ आशियाना उनसे छिनने वाला है। उल्लासनगर मनपा की तरफ से धोखादायक इमारतों को स्ट्रक्चर ऑडिट करने के नोटिस भी दिए गए हैं और कई धोखादायक इमारतों का बिजली पानी भी कट किया गया है। वहीं कल उल्लासनगर मनपा में धोखादायक इमारतों के विषय पर महासभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, 24 जून को मनपा के महापौर कार्यालय में पत्रकार परिषद हुई थी, जहां पत्रकारों से बात करते हुए बताया गया कि 116 धोखादायक इमारतों का स्ट्रक्चर ऑडिट मनपा की तरफ से किया जाएगा और उल्लासनगर मनपा के जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक प्रसिद्धि पत्र द्वारा जानकारी दी गई है कि स्ट्रक्चर ऑडिट तो मनपा कराएगी पर वह पैसे लोगों की टैक्स से वसूल किए जाएंगे। इसी बात को लेकर मनसे नेताओं ने कल मनपा मुख्यालय की बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर एक अनोखा आंदोलन किया। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं का कहना है कि अलग अलग दो प्रसिद्धि पत्र आने से लग रहा है कि लोगों की दिशा भूल की जा रही है। चोवीस तारखेला दोन प्रसिद्धि पत्रक महानगरपालिकेतून निघाली, एक महापौर कार्यालयातून निघाली आणि एक प्रशासनाच्या वतीने निघालं की उल्हासनगरमध्ये 116 जे धोकादायक बिल्डिंग आहे त्याच्या स्ट्रक्चर ऑडिटचा हा विषय होता। तर स्ट्रक्चर ऑडिटवरती सत्ताधारी सांगतात आहे की पूर्ण खर्च महानगरपालिका प्रशासन करेल आणि जनतेसाठी मोफत असणार आहे। आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे जे प्रसिद्धीपत्रक आहे त्याच्यामध्ये असं नमूद आहे की खर्च महानगरपालिका करेल, पण त्याच्यानंतर जी येणारी टॅक्स पावती आहे ते टॅक्स पावतीमध्ये ते वसूल केलं जाईल। म्हणजे कुठेतरी सत्ताधारी लोकांची दिशाभूल करतात आहे, फक्त मतांचं राजकारण करून लोकांची मतं आपल्या पत्रात कशी पाडून घ्यायची आहे हा हेतू ठेवून म्हणजे मेलेल्या टाळीवरचं लोणी खायचा प्रकार हा सत्ताधारी करत आहेत। आणि जे विरोधक आहेत ते फक्त श्रेय घेण्यासाठी हे सगळं आमच्यामुळेच होतं आहे, फक्त विरोधक श्रेय घेतात आहे, पण खरं वास्तविक प्रसिद्धीपत्रकामध्ये काय लिहिलं आहे हे दोघांनी वाचलं नसेल तर कृपया करून महानगरपालिका प्रशासनाने त्वरित या खुलासा करावा की तुम्ही स्ट्रक्चर ऑडिट जनतेसाठी मोफत देणार आहात की त्यांच्याकडनं टॅक्स पावतीमध्ये पैसे वसूल करणार। जोपर्यंत खुलासा होणार नाही महानगरपालिका प्रशासनाकडनं तोपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इथून उठणार नाही। अजून असंही कळालं आहे की जे 500 सदनिका टाटा आमंत्रणमध्ये देणार आहे तर तुम्ही त्यांना ते ट्रान्झिट कॅम्प त्यांना तिथे म्हणजे वस्तीला देणार आहात, पण त्याचं पण तुम्ही भाडं वसूल करणार नंतर। मग नंतर म्हणजे महानगरपालिकेच्या उल्हासनगरच्या जनतेला तुम्ही काय सुविधा देताय? म्हणजे कुठेतरी फक्त तुम्ही लोकांची दिशाभूल करतात आहे, लोकांमध्ये फक्त म्हणजे बोलतात ना मतांसाठी एक राजकारण करत आहे, त्या आम्ही या सत्ताधाऱ्यांचा तसंच विरोधकांचा आणि महानगरपालिका प्रशासनाचा जाहीर निषेध करतो। उल्हासनगर मनपा की तरफ से जो प्रसिद्धी पत्रक जारी किया गया है उस पर जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर युवराज बदाने जी की तरफ से भी क्या जानकारी दी जा रही है ये वह भी जानते हैं। आज उल्हासनगर महानगर पालिका के बाहर कुछ मनसे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है कुछ स्ट्रक्चर ऑडिट के फीस को लेकर के। बाबा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा गया कि सब खर्चा महापालिका करेगी, पर अब प्रसिद्धि पत्रक में ऐसा आया है कि उनके टैक्स में से वसूल किया जाएगा, तो क्या है ये इस पर पूरी आपकी बात? देखिए, आपको मालूम है हर ULB अर्बन लोकल बॉडी यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था में प्रशासन अपना नियम के साथ काम करते हैं। नियम के साथ काम करते हुए कानूनन काम करते हुए यहाँ पे जो भी कुछ फाइनेंशियल मैटर आता है या फाइनेंशियल सब्जेक्ट है उनको माननीय स्थायी समिति की मंजूरी लगती है और उसमें से कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है, धोरणात्मक निर्णय लेना है, उसके लिए माननीय महासभा या स्थानिक स्वराज्य संस्था में माननीय महासभा सार्वभौम है, उनको सभी जो अथॉरिटी पावर्स और डिसीजंस है पॉलिसी डिसीजन माननीय महासभा लेती है। तो इसीलिए प्रशासकीय जो प्रश्न नोट निकली है उसके अंदर वो हमने प्रशासकीय आर्थिक भाव होने की वजह से वो भाव वहाँ पर नमूद की है। और वास्तव में एक्चुअल देखा जाए तो माननीय स्थायी समिति माननीय महासभा जो उचित निर्णय लेगी स्ट्रक्चरल ऑडिट यदि बिना मूल्य करना है या कॉरपोरेशन से पैसे से करना है तो वो माननीय महासभा या माननीय स्थायी समिति का जो निर्णय है उसका इम्प्लीमेंटेशन या अमल बजावनी महापालिका प्रशासन अवश्य करेगी, उसमें कोई दोहराया नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की दिशा भूल की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, वो ये सभी बातों का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर से ही सब ये काम होता है।
वो प्रोसीजर से लोगों ने समझ लेनी चाहिए तुरंत इसका, और अभी इसका इमीडिएटली आज ऑडिट हो गया स्ट्रक्चरल ऑडिट, और उनका खर्चा आज क्या है थोड़े उसमें लगने वाला है, इसका डिसीजन होगा, पॉलिसी डिसीजन होगा, आर्थिक बात के लिए मंजूरी लगी गई, वो मंजूरी मिलेगी, उसके बाद में जो माननीय महासभा ने जो निर्णय लिया है उचित निर्णय, उस निर्णय के अनुसार प्रशासन कार्यवाही करेगी। वहीं मनपा में विरोधी पक्ष बीजेपी की तरफ से भी धोखादायक इमारतों के स्ट्रक्चर ऑडिट पर बात करते हुए भाजपा नेता व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी ने क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर एक मोर्चा निकाला, कई लोग भारतीय जनता पार्टी के और इमारत के लोग उस मोर्चे में शामिल हुए, उसके बाद हमारी जो ये सरकार है वह जागी, और उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें महापौर जी ने ये कहा था कि 116 इमारतों की जो स्ट्रक्चरल ऑडिट होगी उसका पूरा खर्चा महानगरपालिका उठाएगी। हमें संतोष था कि क्योंकि धोखादायक इमारतों में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर हैं, अगर कमज़ोर नहीं होते तो अपनी जान के ऊपर खेलकर उस बिल्डिंग में नहीं रहते। लेकिन अब एक आश्चर्यचकित जिस तरह से कमिश्नर आयुक्त का एक जो प्रेस नोट आया है उसमें दर्शाया गया है कि पैसे तो महानगर पालिका भरेगी लेकिन यह पैसा टैक्स में वसूल किया जाएगा, यह दोहरा मापदंड दुपट्टी जो भूमिका है महापौर की यह दर्शाती है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और हम जो कल महासभा इस इमारतों के विषय में रखी गई है भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है विरोधी पक्ष होने के नाते कि पूरी तरह से जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का 116 इमारतों का खर्चा है वह महानगर पालिका भरे और उसके टैक्स में यह न डाले, यह स्पष्ट भूमिका हमारी है। और हम शिवसेना से जो सत्ता में काबिज हैं उनसे यह मांग करेंगे कि जो आप कहते हो वह करके दिखाओ, करनी और कथनी में अंतर रखना बिल्कुल योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम आपको यह आपके माध्यम से हम यह आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट का जितना भी खर्चा है वह महानगर पालिका ने देना चाहिए। हाँ प्रदीप जी, कल जो महासभा लगाई है इसमें इमारतों के लिए लगाई है सिर्फ, पर इसमें सिर्फ 116 इमारतों का विषय लिया जाएगा या पूरे शहर का विषय लिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक विषय है, विषय पत्रिका में विषय केवल 116 इमारतों का रखा है, या ऐसे कहें कि विषय पत्रिका में ऐसा भी स्पष्ट नहीं है कि 116 का है या सभी का है। एक जो विषय पत्रिका है उसमें इमारतों के बारे में धोरणात्मक निर्णय लेना ऐसा लिखा है। तो हम 116 तक भारतीय जनता पार्टी सीमित नहीं रहेगी, हम चाहते हैं जितनी भी शहर की जितनी भी इमारतें हैं उसका प्रश्न उसी चर्चा में सब भाग लें और उल्लासनगर के सभी लोगों की आम जनता की लोक हित का निर्णय सभी पक्षों ने मिलना लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोक हित में किए गए फैसलों का समर्थन करेगी। प्रदीप जी, एक विषय और है जो अभी हरि कांग्रेस से छोड़ा गया है, श्री हरि कांग्रेस, ये मतलब कमर्शियल था, इसमें व्यापारी काम करते थे, दुकानदार थे, और उनका कहना ऐसा है कि जो इमारत गिरती है उनको लोगों को टाटा मंत्रा में रहने के लिए जगह दी गई है, पर हमारे दुकानें टूटी है, पूरी इमारत जहाँ पे काम होता था, दिन भर काम चलता था, वो इमारत तोड़ दी गई है, तो इनको दुकान मिलेंगी क्या, हमको दुकान मिलेंगी, वो कैसा कहना है? तो इसके लिए आप कुछ आवाज़ उठाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट इस उनकी दुकानदारों की जो मांग है उसके समर्थन में खड़ी रहेगी। यहाँ पर पर्याय हो सकते हैं, एक तो तुरंत प्रभाव से उनको पर्याय जगह पर दुकान देने चाहिए, अगर पर्याय जगह दुकानों का किसी तरह से नहीं दे पाती महानगर पालिका तो उस जगह पर तुरंत प्रभाव से वहाँ के जितने भी उजड़े हुए लोग हैं
उन्होंने महानगर पालिका में उस जगह पर एक नक्शा डालना चाहिए जो नई डीपी के हिसाब से जो हमने मांग की है सरकार से कि जो साइड मार्जिन हो वो डेढ़ फुट से ज़्यादा नहीं हो, तो उस आधार पर उनका बहुत ही जल्द ये नक्शा पास करके उधर उनको बसाया जाए। ऐसी भूमिका भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जो भी बेघर होता है, जिसका भी जिस तरह से भी नुकसान होता है, चाहे उसका व्यापार उजड़े चाहे उसका घर उजड़े, उस उन लोक हित के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। उल्लासनगर मनपा के सत्ता पक्ष की तरफ से भी क्या जानकारी दी जा रही है, आइए वह भी जानते हैं। शिवसेना नगर सेवक अरुण आशियान इस पर क्या बता रहे हैं। बघा, असं आहे, मी काल पण प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना सांगितलं की ज्या इमारती धोकादायक आहेत त्या धोकादायक इमारतीच्या बाबतीमध्ये माननीय पालकमंत्री साहेबांकडे एक बैठक झाली होती, खासदार साहेब त्यामध्ये उपस्थित होते आणि त्यावेळेस तसा निर्णय घेण्यात आला होता की ह्या धोकादायक इमारतीच्या बाबतीमध्ये जे स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचं आहे ते करणं गरजेचं आहे, परंतु त्याच्या पैशाचा जो मुद्दा आहे तो ते पैसे हे शासनाने किंवा महापालिकेने ते खर्च करावे। 30 तारखेला ह्या बाबतीमध्ये महासभा ठेवलेली आहे, विशेष महासभा, आणि ही संपूर्ण गोष्ट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना माहीत होती। काल त्यांनी जो हंगामा केला पायऱ्यांवर बसून, त्या बाबतीमध्ये मी काल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पण सांगितलं की ह्या लोकांचं श्रेय घेण्याचं काम असतं हे लोकांना माहीत पडलेलं आहे। त्याचं उदाहरण असं आहे की 30 तारखेला महासभेसमोर एकच विषय आहे आणि ती महासभा जी आहे ती फक्त धोकादायक इमारतीसाठी आहे। त्यामध्ये प्रशासनाने जो पत्र दिले त्या प्रशासनाच्या पत्रामध्ये त्यांनी दिले की आम्ही त्याचं पैसे जे आहे ते ऑडिटचे पैसे ते टॅक्समध्ये कन्वर्ट करू म्हणून, ही प्रशासनाची बाब आहे। परंतु महापौरांनी जेव्हा निर्णय घेतलेला आहे आणि उद्या महासभा लावलेली आहे, तर हा धोरणात्मक जो निर्णय आहे या धोरणात्मक निर्णयाकरिता हे धोरणात्मक बाबी ठरवण्याची ही महासभेलाच याची परवानगी घ्यावी लागते। तर उद्या हा महासभेसमोर हा विषय येईल आणि यामध्ये ह्या ज्या 116 इमारती आहेत यांचं जे स्ट्रक्चरल ऑडिट आहे यांचे पैसे महानगरपालिका भरेल आणि त्यांना निःशुल्क स्ट्रक्चरल ऑडिट करून देणार आहे, त्याबद्दल दो मत नाहीच आहे। परंतु हे उद्या होणार आहे ना, मग आज आम्ही मागणी करणार आणि सांगणार की आम्ही मागणी केली म्हणून झालं, परंतु असं काही नाही आहे। हे आयत्या पिठावर रोगटा ओढण्याचं काम मात्र नवनिर्माण सेवेचं चालू असतं, हे मी बारबार आणि बरेच वेळेला तुम्हाला पुराव्यानिशी करून दिलेलं आहे, सिद्ध करून दिलेलं आहे। 2-3 दिवस आधी 25 तारखेला बीजेपीचा पण हा मोर्चा झाला, बीजेपी आठवेचा, त्याच्यात पण नारे दिले गेले की महापौरपदी खाली करो आप नाही कर सकते होतो। खरं म्हटलं तर ह्या लोकांना हा बोलण्याचा बीजेपीवाल्यांना बिलकुल अधिकार नाही, कारण का त्याच्या अगोदर हे लोक माझ्याकडे येऊन बैठक घेऊन गेले होते, माझ्याशी बोलून गेले होते। आदरणीय पालकमंत्र्यांनी ह्या संदर्भामध्ये काल मिटिंगीचं आयोजन केलं होतं हे पण त्यांना माहीत होतं आणि ह्या मोर्चाच्या अगोदर त्यांना प्रशासनाच्या समोर जमनू पुरस्वानी आणि उपमहापौरांना माझ्यासमोर त्यांनी पत्र दिलं होतं आणि ते पत्राची रिसिव्ह पण आहे। असं असताना तुम्ही मोर्चा काढता, मोर्चा काढायच्या अगोदर तुम्ही शासना प्रशासनाकडनं पत्र रिसिव्ह करून घेतात, मग हाय हाय तुमच्याबद्दलच म्हणायला लागेल आणि खुर्च्या तुमच्याच खाली करून घ्यायला लागतील, कारण तुम्ही लोकांची दिशाभूल करतात। इकडे प्रशासनाकडनं पत्र घेतात आणि तिकडे जाऊन सांगतात की हाय हाय करतात म्हणून, म्हणजे तुम्हाला मुद्दे मान्य होते ना, म्हणून तर तुम्ही पत्र रिसिव्ह करून घेतलं। मग ते पत्र रिसिव्ह करून घेतलं, मग ते का करून घेतलं रिसिव्ह, दुसऱ्या दिवशीपर्यंत का नाही थांबलात तुम्ही? म्हणजे त्यांना ते गोष्ट मान्य होती की 500 सदनिका भेटणारे ते त्यांना माहीत होतं, महापालिका स्ट्रक्चर ऑडिट करता प्रयत्न करणारे त्यांना माहीत होतं, तसं आम्ही 15 लोकांची नियुक्ती करणार म्हणून त्यांना त्याशी पत्र पण लिहून दिलं होतं। त्यामुळे ह्या लोकांमध्ये खरं म्हटलं तर ऐक्यता आणि वाक्यता त्यांची बरोबर नाही आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी त्यांचं आत्मपरीक्षण करावं, ज्या 2 पक्षात एकत्र आले त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं आणि त्यांनी बघावं की आपण हाय हाय करतोय तर नक्की कोणाची खुर्ची खाली करून घेतली पाहिजे हे पण लोकांना कळालं पाहिजे। अरुणजी, उद्या महासभा आहे, विशेष महासभा घेतलेली इमारतीबाबत आणि लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे, तर त्यांच्यासाठी भीती निघून जायचा उद्या दिवस आहे का? 100% नक्कीच त्यांची उद्या भीती निघून जायचा दिवस आहे। खरं म्हटलं तर काल काही कारणास्तव मीटिंग पोस्टपोन झाली, परंतु लगेच तातडीने मीटिंग आता लवकरच लागणार आहे। माननीय नगरविकास मंत्री ह्या ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब सतत ह्या उल्हासनगरवर लक्ष ठेवून आहेत, खासदार साहेबांशी पण माझं बोलणं झालेलं आहे, आदरणीय खासदार साहेब पण ह्या मीटिंगीच्या बाबतीमध्ये आणि ह्या उल्हासनगरला दिलासा देण्याकरता जो ऐतिहासिक निर्णय होणार आहे तो ह्या शिवशाहीच्या राज्यामध्ये 100% ह्या महाविकास आघाडीमध्ये होणार आहे, हे मात्र
याच्यामध्ये ती मात्र शंका नाही. आणि उद्या 100% या 116 इमारतींच्या बाबतीमध्ये लोकं निर्धास्त होऊन त्यांचं ऑडिट करून आणि त्यांना जी पुढची प्रक्रिया आहे त्याकरता उद्या 100% दिलासा दिला जाईल हे मात्र मी तुम्हाला आवर्जून सांगतो. आणि ह्या कामी मला असं वाटत नाही की कुठले पक्ष मतभेद करतील, भेदभाव करतील. आता श्रेयाची लढाई कोणी करायची हा मुद्दा वेगळा, परंतु महापौरांनी 4 सदस्यांनी ह्या मुद्द्यासाठी मीटिंग लावा म्हणून सांगितल्यानंतर 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये ही विशेष महासभा बोलवली हे मात्र मी नक्की तुम्हाला आवर्जून सांगतो. उल्हास लाईन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर.